वैसे तो मैंने बहुत से ट्रेलर देखे, लेकिन आज एक ट्रेलर देख के गूज़बम्प्स आया मुझे, और वो ट्रेलर था विक्रम वैदा का। विक्रम वैदा एक न्यू ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की मूवी है। बाय द वे, अगर आपने पहले एक विक्रम वैदा देखी तो जी हाँ, ये उसी का ही रिक्रिएट है। और इस मूवी में सिर्फ दो चीजें चेंज है, और वो है कास्ट, कास्ट और कास्ट। तो यही इसकी चेंजिंग है। स्टोरी लाइन आई थिंक सेम है। अगर आपने वो विक्रम वैदा देखी है तो आप लोगों को ये ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपको वो पसंद थी तो ये तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मूवी में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, एक होती है कास्ट और एक होती है स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन तो आई थिंक सेम है, लेकिन कास्ट, मैं कहता हूँ इस मरतबा उन्होंने कास्ट कमाल की है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान, सैफ अली खान तो एक तरफ, लेकिन ऋतिक रोशन का एक एटीट्यूड और उसकी स्माइल एंड कमाल किया है इस ट्रेलर में उन्होंने। लेकिन उसमें पूरी स्टोरी को रिलीज नहीं किया गया, जो बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने स्टोरी को रिलीज नहीं किया। एटीट्यूड और लुक के अलावा इस फिल्म में इन्होंने बहुत सारे एक्शन सीन्स किए हैं। ये फिल्म आई थिंक दो चीज़ों पर मबनी होगी, एक सच और एक बुराई। अगर तो ये सच्चाई वाली चीज़ हुई तो मेरे हिसाब से ये ऋतिक रोशन जो है वो हीरो निकलेगा और सैफ अली खान इसकी सैड निकलेगा। लेकिन आई थिंक मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले वाली मूवी नहीं देखी। तो अगर आप लोगों ने तो वो देखी है तो आप ये भी देखिएगा, लेकिन मैंने पहले वाली नहीं देखी तो भाई मैं यही देखूंगा। यही था आज का रिव्यू। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, जाओ पहले सब्सक्राइब करो फिर जाके मूवी देखना। तो मिलते हैं मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।